हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक और यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। क्या होता है कि जब हम अपने कैमरे से कोई वीडियो को शूट करते हैं तो उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। 5 मिनट की वीडियो 500 MB के करीब चली जाती है, कई बार 1 GB के करीब भी चली जाती है। तो इतनी बड़ी फाइल को YouTube पर अपलोड करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी डाटा लग जाता है। नए यूट्यूबर्स के बाद फ्री वाईफाई कनेक्शन नहीं होता तो उन्हें अपने मोबाइल के डाटा से ही वीडियो को अपलोड करना होता है, जिससे उनका सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसी एप्लीकेशन की जो बिना क्वालिटी को ख़राब करे आपकी वीडियो को कंप्रेस कर दें। तो हम आपके सामने ऐसी एक एप्लीकेशन को लेकर आए हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है वीडियो कंप्रेसर। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पर अभी एप्लीकेशन देख रहे हो यही वो एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इंपोर्ट एंड आउटपुट। इंपोर्ट से आप किसी भी वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी वीडियो को आप कंप्रेस करना चाहते हो, किसी भी वीडियो को। तो मान लेते हैं हम जो है इस वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए, ये जो अभी ऊपर आप देख पाएंगे, ये वीडियो जो है 623.24 MB की है लगभग, यानी कि 650 MB के करीब की फाइल है। इसको हम अगर उसी क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में है उसी में अगर हमने कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे लार्ज फाइल हाई क्वालिटी ओरिजिनल, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, ये फाइल जो है प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। जितनी बड़ी MB होगी उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेगी। इस फाइल के लिए लगभग जो है 15 से 20 मिनट ले सकती है और आपका फ़ोन उस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल हैंग जैसा हो जाएगा। आपको एक साइड में रखना पड़ेगा, तो आप उसको एक साइड में रख देना कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद। मैं आपको कंप्रेस होने के बाद की ही सिचुएशन बता पाऊंगा क्योंकि वो प्रोसेस काफ़ी लंबा है। चलिए अब हम आपको वो वीडियो फाइल दिखाते हैं ओरिजिनल, और वो फाइल जो हमने कंप्रेस की है। तो सबसे पहले हम आपको ओरिजिनल फाइल दिखाते हैं। तो ये एड्स को हम बंद कर देते हैं। तो ये आपको एक फाइल दिखा दी है, Topic 3 ओरिजिनल डीनोइस्ड। तो ये फाइल जो है 620 MB की है और इसकी क्वालिटी देख लेते हैं हम किस तरह की है। दिस और दैट जो है वस्तु की तरफ संकेत करने के साथ साथ उस वस्तु के साथ ही लिखा जाता है, उदाहरण देखेंगे। तो ये वीडियो थी 620 MB की और आप इसकी जो है वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। अब इसी वीडियो फाइल को हमने कंप्रेस किया है और वो साइज आपको दिखा, उस फाइल की क्वालिटी हम आपको दिखा देते हैं। तो वीडियो कंप्रेसर और सेम फाइल जो है 5 मिनट और 6 सेकंड की। हेलो, वेलकम टू करण सर। दैट प्लस में नाउन, अब सीधा नाउन लगा हुआ है दिस और दैट के साथ, प्लस में है इज। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है, क्वालिटी में बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं है। और अगर आप साइज़ का अंतर देखो तो वो जो थी आपके पास फ़ाइल वो 620 MB के करीब थी और ये जो फाइल है प्रॉपर्टी में देख सकते हो, ये फाइल जो है सिर्फ 94 MB की है। तो ये फाइल जो है सिर्फ 94 MB की है और वो फाइल जो थी वो आपके पास जो थी वो 620 MB की थी। इस प्रकार वीडियो कंप्रेसर से आप बड़ी से बड़ी फाइल को बिना क्वालिटी लूज़ करे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और आप अपना डाटा बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।